जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज की तारीख है 20 नवंबर, दिन है रविवार। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आप कि हमने क्या लगाई है। ये हमने चने की भाजी लगा दी है। इसको लगाए हुए लगभग 4 से 5 दिन हो गए ना, 5 दिन हो गए। तो 5 दिन हो गए हैं इसको। 5 दिन में इतनी इसने ग्रोथ कर ली है। और ये देखिए इसकी रूट्स, तो इतनी अच्छी होती हैं। देखिए कितनी हेल्दी रूट्स हैं। तो ये हमने चने की भाजी लगा दी है। और चने की भाजी हमने किस तरीके से सीड्स लगाए, क्या किया, इसका वीडियो हम पूरा डाल चुके हैं। इसलिए हम बस आपको दिखा रहे हैं ब्लॉगिंग में कि हमने चने की भाजी लगा ली है। और इसका जो फर्स्ट टाइम का हमारा रिजल्ट था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी हम लोगों ने चने की भाजी मिली थी हमें। दो से तीन बार हमने इसकी हार्वेस्टिंग की थी। तो इस बार भी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए आप दोस्तों, नमस्कार। ये लगभग 15 दिन के अंदर ये हार्वेस्टिंग के लिए पहले हार्वेस्टिंग हमको दे देगा। तो अभी 5 दिन हो चुके हैं, 10 दिन बाद ही हम इसको काट के इसकी सब्जी हम बना पाएंगे। तो ये हो गया है। और इसके अलावा तो दोस्तों देखिए, ये हमने छोटे से जो आपके डिस्पोजल कप आते हैं, डिस्पोजल कटोरी आती हैं, ये देखिए आप, तो इनको हमने इसमें मिट्टी भर ली है। क्योंकि आज हम इसमें, हमारे पास लॉन्ग मिर्ची जो आती थी, छोटी होती है और बहुत तीखी होती है, उसका सीड हमको मिल गया था। ये देखिए आप, ये सीड है। तो हम इसको आज इसमें सोइंग करेंगे। इस पर हमने इसका नाम लिख दिया है। और हम इसमें एक ही पौधा हम लेंगे, लेकिन बीज हमारा मिर्ची से हमने बनाया है ये बीज, तो इसलिए हम इसमें बीज जहाँ डाल रहे हैं, लेकिन इसको हम जब पौधा उगाएगा तो उसमें एक ही पौधा रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आएंगे उनको हम हटा देंगे। और ऐसे ही इसमें इसलिए हम दो में डाल रहे हैं कि हम दो पौधे हम, तो इसको हम जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो हम दो पौधों को हमें बड़ा करना है। तो इसके लिए हमने देखिए आप ये लगा दिया है इसमें। देखिए आप इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए, ये कुकुम्बर वैसे मेनली ये गर्मियों में और बरसात में होता है, लेकिन घर के लिए अगर थोड़ा से कुकुम्बर हमें मिलते हैं, इसके लिए हम फिर से इसकी सोइंग कर रहे हैं। तो इसमें भी हम इसका दो दो बीज हम डालेंगे कि, और एक ही प्लांट हम इसमें हम लेंगे, एक एक प्लांट दोनों का हम इसमें रेडी करेंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए आप, ये कैप्सिकम का सीड है, तो कैप्सिकम भी हमको लगाना है। और कैप्सिकम में भी हम ज़्यादा बीज नहीं लगाएंगे, केवल दो तीन तीन बीज हम इसमें डालेंगे। हमें दो पौधे लेना है कैप्सिकम के भी। तो दो पौधे के लिए बीज हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि सारे बीज नहीं उगते हैं। कभी कभी सारे ही उग जाते हैं और कभी कभी बहुत कम उगते हैं। तो क्या है, अपन इतने डालते हैं कि हमको कम से कम दो प्लांट प्रॉपर मिल जाए। तो इस तरह से करके अब हम इसको हल्का सा इसको डाल के और उसको ढक देते हैं। ये थोड़ा दूर दूर कर दें ताकि निकालने में बाद में दिक्कत ना आए। आप भी इसी तरह से अपने डिस्पोजल आप पे पड़े हों एक्स्ट्रा, उनमें आप अपने पौधे घर में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर इनको हम लगा सकते हैं। तो आप देखिए, ये हमने लगा दिया है। अब हम इसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं और रख देते हैं। तो देखिए हम पानी डाल रहे हैं इसमें। इसी तरीके से हम सब पानी डाल देते हैं। और दोस्तों देखिए, ये रही पान की बेल जो हम इसको नीचे ले आए थे। तो अभी सर्दी का मौसम है, इसका भी कुछ ना कुछ करना है। इसको थोड़ी छाया और चाहिए, ठंड भी इनको बर्दाश्त नहीं होती पान की बेल को। तो हम इसको भी अच्छा कर देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब इस तरीके से इसने ग्रोथ कर लिए, देखिए। और यहाँ पर देखिए तो ये है मनी प्लांट।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।